अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। MTH 634 जो कि असाइनमेंट नंबर वन है, इसकी सॉल्यूशन नंबर टू आज मैं कराने जा रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर टू है। क्वेश्चन नंबर वन मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जो कि मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसके अलावा अगर आपको सॉल्यूशन फाइल चाहिए तो मैं आपको इस वीडियो के एंड पे एक व्हाट्सएप नंबर अपना दे दूंगा, जहाँ पे आप जा के मुझे व्हाट्सएप करें तो इंशाल्लाह वो मैं पूरी फाइल आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की जानब। क्वेश्चन नंबर टू है, लेट एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन ए कॉमा बी कॉमा सी एंड टोपोलॉजी इज इक्वल टू एक्स कैपिटल कॉमा थीटा कॉमा ब्रैकेट ओपन ए ब्रैकेट क्लोज कॉमा ब्रैकेट ओपन ए कॉमा बी उसके बाद ब्रैकेट क्लोज उसके बाद है ए कॉमा सी उसके बाद लेट और आर जो है वो हमारे पास है ब्रैकेट ओपन ए कॉमा बी और उसके बाद है ए कॉमा सी। प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव दैट आर इज़ अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजी। तो हमने जो है सबसेट ऑफ द टोपोलॉजी प्रूव करना है कि आर जो है वो हमारे पास टोपोलॉजी के सबसेट इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने इसकी ऑलरेडी सॉल्यूशन की हुई है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ मैंने एक्स की वैल्यू लिख दी है, एक्स हमारे पास है ए कॉमा बी कॉमा सी के वो, उसके बाद टोपोलॉजी हमारे पास है ब्रैकेट ओपन थीटा ए कॉमा बी ए बी कॉमा ए सी और उसके बाद एक्स। आर जो है वो हमारे पास है ब्रैकेट ओपन ए कॉमा बी और ए कॉमा सी। नाउ वी फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ आर। तो सबसे पहले हमने इंटरसेक्शन इनकी फाइंड करनी है। इंटरसेक्शन कैसे हमने फाइंड करनी है, हमने जस्ट आर की वैल्यू लिखनी है ये वाली, ठीक है, ए कॉमा बी और इंटरसेक्शन ए कॉमा बी। तो हमने ए कॉमा बी का इंटरसेक्शन करना है, उसके बाद हमने ए कॉमा सी का इंटरसेक्शन करना है, इसी तरह जैसे हमने ऊपर किया इसी तरह ए बी और ए सी इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन कर देना है, ठीक है। जब इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ए बी आ जाएगा ए बी का, और इसके बाद ए सी का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए सी आ जाएगा, और ए बी और ए सी का हम जब इंटरसेक्शन करेंगे तो वो हमारे पास ए आ जाएगा। इंटरसेक्शन में आपको बताया कि दो चीज़ें दोनों वैल्यू कॉमन होनी चाहिए, तो उसका आंसर भी हमारे पास कॉमन में आएगा। हैज़ एक्स इज इंक्लूड इन द कलेक्शन हैज़ इट इज़ अ एम्प्टी इंटरसेक्शन। तो एक्स हमारे पास है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन एम्प्टी क्लासेस। तो हैज़ वी नो दैट बी इज सेट टू बी द बेस फॉर टोपोलॉजी वाई इफ़ एवरी मेंबर ऑफ द टोपोलॉजी इज़ द यूनियन ऑफ मेंबर। तो हमारे पास जो होता है वो वाई इज़ एवरी मेंबर ऑफ द टोपोलॉजी, अगर उनका जो यूनियन है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, उनका जो नंबर ऑफ़ द टोपोलॉजीज़ हैं उनका वो यूनियन होना चाहिए। तो लेट हम क्या करेंगे, लेट बी इज़ कंटेन ऑल फाइनाइट एरर सेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ आर। तो बी हमारे पास वैल्यू है ब्रैकेट ओपन डबल ब्रैकेट ओपन ए फिर उसके बाद है ए कॉमा बी और उसके बाद ए कॉमा सी एक्स के है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बी का जो है वो यूनियन लेना है, ठीक है। सबसे पहले नाउ वी फाइंड द यूनियन ऑफ एनी टू मेंबर ऑफ द बी। बी के हम दो मेंबर्स का यूनियन लेंगे, सबसे पहले हमने इनका यूनियन ले लेना है, इन सारों का। सबसे पहले ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। उसके बाद है जी ए कॉमा ए यूनियन ए बी, तो हम ए बी का जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। उसके बाद है जी ए यूनियन ए सी, ए सी का इसी तरह हम कॉमा लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए सी आंसर आ जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। उसी तरह हम ए बी और ए सी दोनों का लेंगे तो हमारे पास तीन वैल्यू आ जाएंगी ए बी और सी की, तो ए बी सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। उसी तरह हम ए कॉमा बी उसके बाद यूनियन ऑफ ए कॉमा सी उसका जब लेंगे तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा। उसी तरह ये देखें हमारे पास जो बी की है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोपोलॉजी आया। इसी तरह थीटा यूनियन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोपोलॉजी। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस टोपोलॉजी के, यानी ये वैल्यू उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और थीटा बी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आल्सो एक्स यूनियन एक्स इज इक्वल टू एक्स इज
डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू टोपोलॉजी। देयर फॉर बी हैज़ कंटेन टोपोलॉजी वेयर द यूनियन मेंबर बी हैज़ और इज अ जनरेटिंग द बी विच इज बेस्ड टू टोपोलॉजी वाई ऑल्सो बी इज जनरेटिंग द टोपोलॉजी ऑल फाइनाइट सेक्शन ऑफ ई ई आर सेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ आर फ्रॉम ऑफ द बेस हेंस इज प्रोवाइडिंग दैट आर इज सबसेट ऑफ द गिवन टोपोलॉजी। तो यहाँ पे हमें पता चल गया के आर जो है वो गिवन सेट ऑफ दी उसका सबसेट है टोपोलॉजी का। ठीक है, तो ये थी सॉल्यूशन नंबर टू। यहाँ पे मैं अपना नाम नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको व्हाट्सएप पे ये पूरी सॉल्यूशन फाइल प्रोवाइड कर दूँगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी नई असाइनमेंट चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स।